हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ 16 गली के लहंगे की कटिंग बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आया है, काफ़ी लो वेट में है और फुल फ्लेयर लहंगा है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। लहंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्योर शिफॉन फैब्रिक लिया है और एक बार मैं आपको इसका वर्क दिखा देती हूँ। इधर के लिए, इस तरफ के लिए खड़ी धारी बनी हुई है, तो इसमें हम, और ये काफी हल्का फैब्रिक है तो इसलिए हम इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ही कलियों की कटिंग करेंगे। अगर आपका भी कपड़ा ऐसा है जिसका वर्क इस तरफ के लिए जा रहा है खड़े में, तो आप उसमें पहले लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लें, उसके बाद ही कलियों की कटिंग करें। यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया है। मेरे मेजरमेंट में फुल लहंगे की लेंथ रहेगी 40 इंच, जिसमें हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 2 इंच माइनस करेंगे आया 38 इंच, और बेल्ट अटैच करने के लिए हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ कट करी है 38.5 इंच। यहाँ पे हम एक लेयर से 4 कलियां कट करेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आया 16 इंच। हमें इस तरह से 4 लेयर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर ली हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, चारों लेयर बिल्कुल एक बराबर है और बराबर से बिछा दिया है। उसके बाद आपको टोटल कपड़े की विड्थ मेजर करनी है, तो मेरे केस में फैब्रिक की फुल विड्थ है 40.5 इंच, और एक लेयर से हम 4 कली निकाल रहे हैं तो 40.5 को 4 से डिवाइड कर देंगे आया 10.1 इंच, और इसमें हम 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 13.1 इंच। अब नीचे से एक कली की विड्थ रखेंगे 13.1 इंच। फिर आपको फुल वेस्ट लेनी है, तो मेरे मेजरमेंट में फुल वेस्ट का साइज है 28 इंच, जिसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 32 इंच। इसे हम 16 कली में बना रहे हैं, तो 32 को 16 से डिवाइड करा आया 2 इंच, और 1 इंच मार्जिन इसमें सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे तो ऊपर से एक कली की विड्थ रखेंगे 3 इंच। कपड़े का वर्क हमारा खड़े में है, इसलिए हम एक एक लेयर से कलियां निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके कपड़े का वर्क इस तरह से ना होके इधर की डायरेक्शन में है, तो आप उसमें कपड़े की फुल लेंथ मेजर कर लें, और जितनी लेंथ है उसे आप उतने से डिवाइड करें जितनी कली का आप लहंगा बना रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आए मार्जिन उसमें आप 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करें, और जितना मार्जिन आए उतना मार्जिन लेके नीचे से कली की विड्थ रखें। कमर का मेथड सेम यही रहेगा, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपके कपड़े का वर्क इस डायरेक्शन में है तो जैसा मैंने आपको अभी बताया आप वैसे कटिंग करेंगे, और अगर आपके कपड़े का वर्क इस डायरेक्शन में है जैसे कि मेरा है, तो आप इसी तरह से कटिंग करेंगे जैसा कि अभी हम करेंगे। पहले कटिंग हम पेपर पर करेंगे एक कली की। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, पहले आप एक कली की कटिंग पेपर पर करें और उसको प्लेस करते हुए फैब्रिक को आप देख लें, जैसे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी कलियाँ एक बराबर आ रही हैं और फैब्रिक भी आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो हमने तैयार लेंथ निकाली 38.5 इंच। 38.5 इंच की लेंथ में मैंने पेपर लिया है, पेपर को सेंटर से फोल्ड किया है। अब नीचे से एक कली की विड्थ आ रही है 13.1 इंच, 1 पॉइंट मार्जिन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा सीधा सीधा मेथड ले रही हूँ। 13 इंच पे ही हम कली की कटिंग करेंगे, तो 13 का हाफ हुआ 6.5 इंच, पेपर सेंटर से फोल्ड है तो 6.5 पे मार्क करेंगे। ऊपर से वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट हमारी आ रही थी एक कली में 3 इंच, 3 का हाफ लेंगे हुआ 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इस निशान को उस निशान से मिला देंगे, सेम निशान पर कटिंग करें। अब पेपर कटिंग को यहां पर रखेंगे। अभी हमारा पेपर सेंटर से ही फोल्ड है, इसे इसी तरह से कपड़े के एक साइड पे रख के निशान लगाएंगे।
अब इसे सेंटर से खोलें। वेस्ट वाले डायरेक्शन को इस निशान से प्लेस करें। और नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें। देखिए यहां से इस तरह से आपको प्लेस करना है और नीचे से बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। अब बिल्कुल बराबर से जैसे पेपर का शेप है इसी शेप में कट कर देंगे। कटिंग मैंने कर दी। ये वाला कपड़ा हमारा कलियों में यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल वेस्ट जाएगा। आप इसे किसी और काम में यूज कर सकते हैं। अब पेपर की कटिंग को उधर के लिए घुमा दें, इसको साइड कर दें। देखिए फ्रेंड्स, किनारे से बिल्कुल बराबर मिला के रखा। अब इसी शेप में कट कर दें। अब फिर से पेपर को उधर के लिए घुमा दें, इसे साइड कर दें। बराबर से कट कर दें। अब फिर पेपर को इधर के लिए घुमाएं, इसे साइड कर दें। किनारे से बिल्कुल बराबर मिला के रखें। अब देखिए इधर से बिल्कुल बराबर कपड़ा आ रहा है। साइड से कपड़ा फोल्ड हो रहा है इसलिए पूरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये इसको खोलेंगे जब तो ये बिल्कुल पूरा आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने 6.5 इंच पे मार्क किया था, इधर से भी बिल्कुल सेम वही आ गया है। अब इसी शेप में इस वाली कली की भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी सभी कलियां कट हो गई हैं और हर कली में 4-4 कली है, जिसे 16 कलियां में मिल गई हैं। अब इन्हें आपस में अटैच कर दें। पूरे लहंगे को मैंने स्टिच कर लिया है और मैंने इस वीडियो में आपको लहंगे की कटिंग स्टिचिंग सिखाई है, जिसे आप देखकर लहंगे की स्टिचिंग सीख सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।